नमस्कार जी, मैं डॉक्टर उमेश, एसोसिएट प्रोफेसर इन गोल्डफील्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन फरीदाबाद। आज मैं डिस्कशन कर रहा हूँ एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन के बारे में। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में दो प्रैक्टिकल्स हैं, सेल्फ डेवलपमेंट स्किल 1 और सेल्फ डेवलपमेंट स्किल 2। आज मैं बात करूंगा कि पहले सेल्फ डेवलपमेंट स्किल 1 के बारे में कि ये क्या है। जैसा कि हमें पता है कि एमएड फर्स्ट सेमेस्टर प्रैक्टिकल वर्क में कोर्स 5th जो है सेल्फ डेवलपमेंट स्किल 1 है, जिसके अंतर्गत हमारा कम्युनिकेशन एंड एक्सपोजिटरी राइटिंग है। तो सबसे पहले बात आती है कि हमारे कोर्स में क्या है। सबसे पहले कोर्स में हमारा कम्युनिकेशन या संप्रेषण क्या है और इसका मीनिंग, इसका उद्देश्य और इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है इसके बारे में। दूसरा है हमारा एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या है, इसकी मीनिंग, और तीसरा है लिसनिंग स्किल क्या है, और अगला आता है रोल ऑफ आईसीटी इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसके लिए हमने अपनी फाइल में कम से कम दो जो है आर्टिकल लिखे होने चाहिए इनमें से। तो सबसे पहले मैं चल रहा हूं कि कम्युनिकेशन क्या है, संप्रेषण क्या है। यदि हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सूचना, विचार, फीलिंग्स, इमोशन, मतलब इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स, फीलिंग का स्पीच या सिग्नल के द्वारा आदान प्रदान ही कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन में यह मेनली 3 चीजें हैं। पहला है आपका सेंडर या इनकोडर, दूसरा कि हमारा मैसेज क्या है और उस मैसेज को भेजने का क्या हमारे पास चैनल है, और तीसरा रिसीवर या डिकोडर। तो इस तरह से ये एक कम्युनिकेशन है। दैट मीन अपने अपने हाव भाव, विचार, सूचनाओं का आदान प्रदान ही कम्युनिकेशन है। अब बात आती है कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार का है। तो एक तो आपका स्पोकन हो गया, वर्बल, जिसे हम बोल करके कहते हैं, जैसे फेस टू फेस, टेलीफोन द्वारा, रेडियो द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, ये हमारा सब वर्बल कम्युनिकेशन है या शाब्दिक संप्रेषण है। दूसरा आता हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से हाव भाव, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, ठीक है, इशारे करना, ये सब जो है नॉन वर्बल या अशाब्दिक संप्रेषण में आता है। तीसरा होता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संप्रेषण। इसके अंतर्गत लेटर्स आते हैं, ईमेल्स आती हैं, किताबें आती हैं, मैगजीन्स हो गए और इंटरनेट। जो चौथा और इम्पोर्टेंट है वो है आपका विजुअलाइजेशन, जिसे हम जो है ग्राफ के द्वारा या चार्ट के द्वारा, मैप्स के द्वारा, लोगों के द्वारा दर्शाते हैं। इस तरह से यदि हम देखें तो मेनली 4 तरह का कम्युनिकेशन हो गया, शाब्दिक, अशाब्दिक, लिखित और जो है दर्शनात्मक, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन एंड विजुअलाइज। तो ये हमारा कम्युनिकेशन हो गया कि कम्युनिकेशन कितने तरह का है। तो वैसे अगर बात करें तो उस तरह से केवल 2 ही होंगे हमारे, एक वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक, जहां शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जहां बोल करके, चाहे लिखित में हो या बोल करके हो, वो शाब्दिक है। जो बिना बोले, चित्रों के द्वारा, हाव भाव के द्वारा जो है वो आपका नॉन वर्बल है, ठीक। तो ये हमारे कम्युनिकेशन है। अब बात आती है कि कम्युनिकेशन के हमारे पास जो है कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दोनों के लाभ और हानियां दोनों की अपनी अलग अलग हैं, इसके बारे में आप जानते ही हो। अब आती है बारी, दूसरा है हमारा लिसनिंग क्या है।
लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। जब कोई व्यक्ति कुछ चीज कह रहा है तो हम बड़े ध्यान से उसको सुने और वो क्या कहना चाहता है इस बात को जाने। तो उसको जानने के लिए, इसको सुनने के लिए हमारे पास सबसे अच्छी बात यह है कि आई कॉन्टेक्ट रहे। और दूसरा, जो कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस पर जो है हाँ या ना का जवाब दें, जिससे कि हम उन्हें बता रहे कि हाँ ये सुन रहे हैं। और सुनते समय हमेशा जेस्चर, और जैसे हम कहते हैं कि रुचि न लेना या अनकंफर्ट फील करना, ये शो न करें। तो ये लिसनिंग में आते हैं। अब इसके बाद कम्युनिकेशन की प्रोसेस हमने बताई दी। एक सेंडर होता है, भेजने वाला, ठीक है। दूसरा मैसेज है जिसको हमने भेजना है, सूचना, और किसके द्वारा भेजे वो ट्रांसमिशन हो गया। और जो उसको रिसीव करेगा या गेन करेगा उस मैसेज को, वो रिसिपिएंट कहलाएगा या ग्राही कहलाएगा, जिसे हम डिकोड्स कहते हैं। और उसके बाद इसी बार उसका मीनिंग निकाल देगा, उसके बाद उसका फीडबैक देगा। तो ये पूरी इसकी प्रोसेस होगी जी। अब बात आती है कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से एलिमेंट है, तत्व है, संप्रेषण के तत्व। सबसे पहले सोर्स, ठीक है। द सोर्स इज द पर्सन अटेम्प्टिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन, अर्थात वह व्यक्ति जो है सूचना को देने वाला है। दूसरा मैसेज, संदेश, कि कौन सा मैसेज भेजना है। तीसरा होता है इनकोडिंग। अब उसको भेजने के लिए जो है, इनकोडिंग द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द मैसेज इंफॉर्मेशन आइडियाज एंड थॉट्स इनटू रिप्रेजेंटेटिव डिजाइन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग दैट रिसीवर कैन कॉम्प्रिहेंड इट। अर्थात वह सूचना जिसको क्रमबद्ध तरीके से लिख करके या बोल करके भेजा जाए, जिससे कि जो है प्राप्त करने वाला आसानी से समझ सके। अगला है, चौथा इसका तत्व है चैनल, कि किस विधि के द्वारा आप उसको भेज रहे हो, ठीक है। तो भेजने का तरीका कौन सा है। और अगला होता है फिर पांचवा डिकोडिंग, जब वह किसी व्यक्ति के पास पहुंच जाता है तो वह उसको सुनता है या देखता है या पढ़ता है उस सूचना को। और फिर है ये आपका रिसीवर, उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद कैसा है, क्या है, सही है, उसका रेस्पॉन्स देता है और इसे हम फीडबैक करते हैं। इस तरह से हम ये देखें तो यहाँ पर जो है, जो भी कोई सोर्स है, सोर्स के बाद मैसेज आया, फिर इनकोडिंग, फिर चैनल, फिर डिकोडिंग, फिर रिसीवर, फिर फीडबैक। अब क्या काम है संप्रेषण के, क्या काम है। पहला काम है इंफॉर्मेशन फंक्शन, सूचना देने का कार्य। हमें कहीं से कहीं इधर उधर सूचना देनी है तो यह कम्युनिकेशन के थ्रू है। दूसरा है कमांड और इंस्ट्रक्टिव फंक्शन, किसी को कोई कमांड देना है तो यह इंस्ट्रक्शन देनी है तो ये आपका कम्युनिकेशन थ्रू है। अगला है इन्फ्लुएंस और पर्सुएसिव फंक्शन, किसको किस तरह से प्रभावित करना है इसके लिए आपका कम्युनिकेशन है। अगला है इंटीग्रेटिव फंक्शन, जोड़ने का काम, ये सब इसके कार्य होंगे। और इसमें दूसरा पार्ट है हमारा एक्सपोजिटरी राइटिंग। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होती है। एक्सपोजिटरी राइटिंग वह है जो है किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए और उसके इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है। एक्सपोजिटरी राइटिंग इज अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, गिव इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्म। एक्सपोजिटरी राइटिंग वह है जिसमें हम कोई चीज को, किसी चीज की व्याख्या करते हैं, वर्णन करते हैं या फिर सूचना देते हैं। ये हमने मेन रखना है। द टेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड वन टॉपिक एंड डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू पैटर्न और कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न्स। और किस तरह से हमने उसको ऑर्गेनाइज करना है, संगठित करना है, ये हमने उसमें देखना है। जनरली एक्सपोजिटरी राइटिंग का मतलब होता है एक्सपोज करना, अपने आप को दिखाना, ठीक है, एल्यूमिनेट करना, एक्सप्लेन करना। और एक्सपोजिटरी राइटिंग के अंतर्गत आते हैं जो हम एसेज लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं, मैगजीन के लिए लिखते हैं आर्टिकल इत्यादि, या फिर इंस्ट्रक्शन मैनुअल है या टेक्स्ट बुक है, इंसाइक्लोपीडिया, इन सब में एक्सपोजिटरी राइटिंग का प्रयोग होता है। एक्सपोजिटरी राइटिंग का
इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? ऐसे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आर्टिकल, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, टेक्स्ट बुक्स, इंसाइक्लोपीडिया आर्टिकल्स, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। ये ध्यान में रखना है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं एक्सपोजर राइटिंग में, अपने आप को एक्सपोज करने के लिए। अब हम टाइप्स देखें कि एक्सपोजर राइटिंग कितने तरह की होती है, तो वैसे तो कई तरह की हो सकती है, यहां पर हमने इनको चार भाग में डिवाइड किया है। नंबर एक, इंफॉर्मेटिव, अर्थात वह राइटिंग जो हमें सूचना देने के लिए की जाती है। दूसरा है डायरेक्शन, निर्देश देने के लिए। अगला है ओपिनियन, जो हमारे ओपिनियन है, जो हमारा विचार है किस तरह से, और किस चौथा है हमारा पर्सुएशन, किसी व्यक्ति को समझाने के लिए या बताने के लिए किस चीज में क्या है, ये पर्सुएशन, चार तरह का ये यहाँ पर ये हो गया। अब इसके अंतर्गत हमने जो किया है, हमने जो है सेमिनार के बारे में लिखा है, एक्सपोजिटरी राइटिंग में एक एक्सपोज करना है अपने आप को कि सेमिनार में क्या क्या हुआ था। यह सेमिनार हमारे गोल्डफील्ड पब्लिक स्कूल में हुआ था 30 नवंबर 2019 को, जिसमें हमारी प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर नीलम रानी ने माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया था। तो इसके बारे में फिर अब जानना जरूरी है कि जब डॉक्टर नीलम रानी, हमारी गोल्डफील्ड कॉलेज की प्राचार्य ने यह सेमिनार दिया था, तो इसमें क्या क्या है ये जानना फिर जरूरी है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले जानते हैं माइक्रो टीचिंग क्या है। माइक्रो टीचिंग एक स्मॉल स्केल टीचिंग है, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें कम समय में, मतलब केवल 6 मिनट के लिए टीचिंग की जाती है, और जिन्हें बच्चों की संख्या ज्यादा ज्यादा 6 से 10 के बीच में होती है, अर्थात स्मॉल स्केल। और यदि हम बात करें तो सबसे पहले एलन बुस, किम रॉमवे ने स्टार्टफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1950 में माइक्रो टीचिंग की शुरुआत की थी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, जो छोटे मीटर में है। एलन बुस, किम रोम ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1950 के दशक में लगभग जो है इसका आविष्कार किया था, और उसके बाद धीरे 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 इसका विकास होता गया। तो आगे देखें तो माइक्रो टीचिंग किसी एक कौशल को, टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए होता है। तो इसके लिए क्या चाहिए? टू टीच अ सिंगल कंसेप्ट ऑफ कंटेंट, केवल एक कंसेप्ट लेना है, यूजिंग अ स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल, और केवल एक कौशल, एक अध्यापन कौशल लेना है। यह बहुत छोटे समय के लिए होता है और बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। तो हिस्ट्री में फिर दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। यदि हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में लगभग 1967 में डीडी तिवारी, जो गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजी इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और उसके बाद धीरे धीरे करके इसका विकास होता गया यहाँ इंडिया में भी। और उसके बाद पासी ने 1976 में माइक्रो टीचिंग को अच्छी तरह भारत में शुरुआत की थी, इसलिए हम भारत में, इंडिया में पासी को ही फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग कहते हैं। अब माइक्रो टीचिंग के, सूक्ष्म शिक्षण के क्या क्या विशेषताएं हैं ये जानते हैं। तो इसमें माइक्रो टीचिंग क्या है कि यह जो है क्लासरूम इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक, और इसमें जो है पूर्ण रूप से टीचिंग नहीं है, यह किसी एक कौशल को डेवलप करने के लिए या विकसित करने के लिए किया जाता है। इसमें लगभग 6 मिनट की टीचिंग होती है और बच्चों की संख्या 5 से 7 के बीच में रखी जाती है, और इसके लिए हमारे पास एक वीडियो टेप होता है या टेलीविजन होता है, और उसको हम फीडबैक के रूप में रखते हैं, जिसके कारण हम देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या हमारी कमियां रह गई हैं। तो इसीलिए माइक्रो टीचिंग इन्वॉल्व्स एक्चुअली टीचिंग अ रियल लेसन टू रियल प्यूपिल विथ
none of the role playing of earlier model teaching situation. अब इसके माइक्रो टीचिंग में कौन कौन होने चाहिए? एक टीचर होगा, ठीक है, 5-7 बच्चे होंगे, एक छोटा सा लेसन प्लान होगा और उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जैसे कौन सा कौशल डेवलप करना है, प्रश्न पूछने का, उत्तर देने का, प्रश्न ढूंढने का, या रेनफोर्समेंट का, या फिर स्टिमुलस वेरिएशन का, तो कौन सा कौशल है वो डेवलप करना, वो ध्यान रखना है। और इसके लिए हमारे पास ऑडियो टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप रिकॉर्डर और क्लोज सर्किट टेलीविजन होना चाहिए। अब इसकी जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है माइक्रो टीचिंग की, वह क्या है? तो इसके लिए मैकडोनाल्ड ने कहा था कि पहला स्टेप होगा कि व्यवहार को ऑपरेशनल टर्म में व्याख्या करना या कहना। दूसरा, क्राइटेरिया, बिहेवियर के लिए क्राइटेरिया को फिक्स करना व्यवहार के लिए, और उसके बाद क्या पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, उसको जानना। चौथा पॉइंट है कि एक्चुअल ट्रीटमेंट ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, व्यवहार में कितना वाकई में परिवर्तन होना, यह जानना। और उसके बाद टीचिंग के बाद जानना कि क्या और किस तरह से यह सब हो रहा है और कितना चेंज हुआ व्यवहार में। तो इस तरह से इसके जो है मैकडोनाल्ड ने ये इसके 5 स्टेप बताए हैं। तो लेकिन अगर वैसे एक्चुअल में इसके स्टेप्स को देखें तो पहला स्टेप होगा, क्या होगा कि हमें कौन सा स्किल या कौन सा कौशल डेवलप करना है वह देखना। दूसरा कि उसको हम एक कुशलता को डेवलप करने के लिए हम कौन सी मेथड या किस तरह से हम डेमोंस्ट्रेशन करेंगे। तीसरा पॉइंट होगा उसके लिए लेसन प्लान तैयार करना। अगला होगा कि उस लेसन प्लान को बच्चों को बताना या बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना या बच्चों को पढ़ाना जिससे कि अपना स्किल डेवलप हो। और उसके बाद रीइंफोर्समेंट और साथ में फीडबैक। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि किस तरह कितना हुआ, और उसके बाद फिर टीच, और उसके बाद फीडबैक लेना, फिर रीटीच। तो इस तरह से यदि माइक्रो टीचिंग साइकिल को देखें तो सबसे पहले योजना बनाना, फिर पढ़ाना, फिर फीडबैक लेना, उसके बाद दोबारा योजना बनाना, फिर दोबारा पढ़ाना और फिर दोबारा फीडबैक लेना। ये एक चक्र हो गया। कौन सा चक्र हुआ? सबसे पहले प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच एंड रीफीडबैक। तो इस तरह से माइक्रो टीचिंग के ये अलग अलग जो है वो हो गए आपके, ठीक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे स्किल्स थे, कुशलताएं थी, वो क्या क्या थी जो है, ठीक। तो वो सारे हमने जो है एक एक बार देखा कि मेनली जो हमारे जो स्किल्स हैं, उन स्किल्स में प्रश्न पूछना एक बहुत बड़ा स्किल है, प्रश्नों को ढूंढना दूसरा स्किल हो गया, स्टिमुलस वेरिएशन, किस तरह से हम हाव भाव शो करते हैं, ये एक कौशल हो गया, और इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ व्याख्या करना, अगला चौथा स्किल हो गया, चौथी कुशलता होगी, रेनफोर्समेंट करना, ये अगली कुशलता होगी। इस तरह से अलग अलग टीचिंग स्किल्स को या अध्यापन कुशलता को डेवलप करने के लिए यह सेमिनार आयोजन किया गया। इस सेमिनार को पूरा ऑर्गेनाइज किया डॉक्टर उमेश ने, और जिसका डिस्क्रिप्शन किया कि किस तरह से हमने माइक्रो टीचिंग करनी है अलग अलग ग्रुप में, यह हमारी कॉलेज की प्रिंसिपल मैम डॉक्टर नीलम रानी ने बताया। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच। एंड आई थिंक दैट कि ये आपके लिए आज के लिए काफी होगा, और मैं सोचता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगा कि किस तरह से क्या करना है। थैंक यू, थैंक्स।